सकते हैं। तो ESIC स्टेनो की जो वैकेंसी आई हुई है आपका 2022 वाला, आपका 15 फेब तक वो फॉर्म आप फिल कर सकते हो। अभी फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ, तो जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। न्यू वैकेंसी को लेकर काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चंस थे कि वैकेंसी कितनी है, क्योंकि जो वैकेंसी अभी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था 18 वैकेंसी, वो किसी एक रीज़न की है। तो आपको रीज़न वाइज हर एक रीज़न की वैकेंसी देखनी पड़ेगी। और जो लिंक है साइट का वो मैंने टेलीग्राम पर दे दिया, तो टेलीग्राम पर जाके आप साइट उस साइट पर जाके जिस रीज़न से आप फिल करना चाहते हो उस रीज़न से आप फिल कर सकते हो जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है, लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि आपको जो सेकंड पेपर इसका होगा स्किल वो देने फिर वहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ध्यान से फिल करना, क्योंकि सेकंड पेपर जो है लास्ट टाइम का ये था कि उसका जो सेकंड एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम था आपका मेंस देने जो है वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से जिस रीज़न से आपने फिल किया है। तो रीज़न वाइज भी देख लेना, जो आपके पास पड़ेगा उस रीज़न से फॉर्म फिल करना। और हर रीज़न में वैकेंसी अलग अलग है। अभी जो हमने 18 वैकेंसी बताई है कि वो टोटल, लेकिन 18 वैकेंसी नहीं है, हर एक रीज़न में अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। तो टोटल 2-3 रीज़न का मैं बता देता हूँ कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर रीज़न कहाँ पर लिखा, तो रीज़न आप देखोगे इधर वाले साइड में, ये बॉक्स यहाँ पर दिया है, पंचदीप भवन नामकुन रांची। तो रांची की वैकेंसी अगर आप रांची से फिल करते हो फॉर्म को, तो वहाँ पे आपके लिए जो वैकेंसी है वहाँ पे स्टेनो का नहीं है, वहाँ पे UDC और MTX की वैकेंसी है। तो यहाँ पे सिर्फ दो की वैकेंसी, स्टेनो की नहीं है। अब हम दूसरा रीज़न के देखते हैं, और रीज़न में आपका सेकेंड इससे अलावा और दूसरा रीज़न, अब इसकी बात करते हैं। तो ये आपका जो रीज़न है जम्मू वाला जो रीज़न है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे भी आपको स्टेनो की वैकेंसी दिखेंगी, लेकिन यहाँ पे आपका वैकेंसी एक ही है। तो मतलब जहाँ पे वैकेंसी कम होगी वहाँ पे चांसेस भी कम होंगे। तो आपको हर एक रीज़न की वैकेंसी पता होना चाहिए कि किस रीज़न में कितनी वैकेंसी है। जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है और जो आपके पास पड़े, जहाँ पे मेंस देने आप जा सकते हो, ठीक है, वहीं का फिल करना, क्योंकि लास्ट टाइम मेंस देने वहीं जाना पड़ा था। जैसे आपने कहीं दूर का भेज दिया तो आपको जो मेंस है वो आपका वहीं होगा जहाँ का आपने, जिस रीज़न से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो जैसे जम्मू का है तो यहाँ पे स्टेनो की एक वैकेंसी, और रीज़न देख लेते हैं। और ये आपका अहमदाबाद का है, तो अहमदाबाद में आप देखोगे कि स्टेनो की आपकी 3 वैकेंसी है, तो यहाँ पे भी चांसेस कम होते हैं। तो जो अहमदाबाद से होंगे वो यहाँ पे फिल कर देंगे अहमदाबाद वाले, तो प्रिफ्रेंस उन्हें, अगर उनके अच्छा स्कोर आता है तो उन्हें उनके लिए सही होगा। अहमदाबाद अगर किसी के पास पड़ता है तो आप फिल कर सकते हो। तो यानी आपको रीज़न भी देखना है जब वो आपके पास पड़े, ठीक है। अहमदाबाद में आपकी 3 वैकेंसी स्टेनो की, बाकी UDC कितनी है, LDC और आपका MTS का इतना है, ठीक है। और ये वाला आप देखोगे तो ये आपका पड़ता है कहाँ पे, गोवा पणजी। और यहाँ पे आप स्टेनो की वैकेंसी देखोगे तो स्टेनो की अनरिजर्व के लिए एक है, टोटल वैकेंसी भी एक है यहाँ पे अनरिजर्व के लिए, बाकी के लिए वैकेंसी है नहीं यहाँ पे। और ये आपका दिल्ली का है, तो दिल्ली में आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, यानी UDC MTS का नहीं है। तो दिल्ली से अगर कोई है तो फिल कर लेना, क्योंकि 5 स्टेनोग्राफर की टोटल वैकेंसी 9 है और 5 अनरिजर्व की है, तो यहाँ पर ये फिल कर लेना। वहाँ पर आपका UDC LDC MTS नहीं है। तो ऐसे ही आपका रीज़न वाइज वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है, तो जो भी रीज़न आपके पास पड़ता है तो वहाँ पर आप वहाँ का फॉर्म वहाँ का फिल कर लेना, ताकि मेंस देने आपको वहीं जाना पड़ेगा, इसलिए दूर का ज़्यादा मत भरना। और वैकेंसी भी देख लेना कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हैं। तो हर टाइप से आपको हर एक रीज़न की वैकेंसी पता होनी चाहिए। अभी ये सरकारी रिजल्ट पे आ जाएगा तो वहाँ पे वो हर एक रीज़न की अलग अलग वैकेंसी करके दे देंगे। तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 1-2 दिन में जैसे ही फॉर्म आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा वैसे आपका वो कंप्लीट डिटेल दे देंगे, तो बिल्कुल वहाँ पे पता चल जाएगा कि किस रीजन में कितनी वैकेंसी है और कहाँ से आपको फिल करना चाहिए। और ये सभी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, कोई नहीं, ठीक है। 1-2 दिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जैसे ही इसका कंप्लीट डिटेल अगर नहीं आता है तो वो चीज़ मैं बता दूंगा कि किस रीजन में स्टेनो की कितनी वैकेंसी है। तो स्टेनो वाले ये ना सोचे कि वैकेंसी बहुत कम है, और इतनी ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि आपको एक ही रीज़न से अप्लाई करना है जहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं आप पूरे अगर देखोगे तो वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है अगर टोटल में बात करें, लेकिन आपको फाइट करना पड़ेगा किसी एक रीज़न से, ये थोड़ा यहाँ पे ठीक है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मौका है जो और स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफिकेशन जिनकी भी 12th पास मांगा है, 80 वर्ल्ड पर मिनट है, एज लिमिट 18 to 27 है, लेकिन कब तक होना चाहिए, 15 फेब तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो थी वैकेंसी को लेकर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके बाद भी अब यहाँ पे देखो अप्लाई करने की डेट भी है, इन्होंने पूछी है, तो अप्लाई आप कर सकते हो 15 फरवरी 2022 तक। तो अभी डेट है यहाँ पे अप्लाई करने की, तो इतना कुछ नहीं, अभी यहाँ पे 15 फरवरी 2022 तक आप डेट है कि आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को। तो ये सभी चीज़ें थी, अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट होता है तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसका जो एग्ज़ाम पेपर है वो भी डिस्कस करेंगे, और इसके जो लेवल है एग्ज़ाम का वो भी डिस्कस करेंगे, कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम में, लास्ट ईयर वाला जो हुआ था। लेकिन वैकेंसी के लेकर सबसे बड़ी जो डाउट रहता वो वैकेंसी का रहता था कि वैकेंसी कितनी है। तो इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी वहाँ पे 18 वैकेंसी थी, लेकिन वहाँ पे मैं रीज़न बताना भूल गया था कि इस रीज़न में हर एक रीज़न में अलग अलग वैकेंसी है और किसी एक रीज़न से आपको अप्लाई करना है। वो आपको देखना है कि जो रीज़न आपके पास पड़े और कहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आप जा सकते हो जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है तो बिल्कुल आप वहाँ पर मौका भी ज़्यादा है, चांस भी ज़्यादा है आपका
सिलेक्शन के, ठीक है। बाकी धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और कोई भी क्वेश्चन होता, कोई भी डाउट होता, पूछो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।